हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये वीडियो कुछ खास होने वाली है। यहाँ पर हम जो है डिजिटल फ्यूल मीटर को अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करेंगे, जैसे स्टॉक वाला जो एनालॉग मीटर है उसकी जगह पे इसको जो है इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस, ये जो बार्स इसके बने हुए हैं, जैसे ये ग्रीन कलर के और एक रेड कलर का है, तो ये दिखाते हैं कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल कितना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मेरे को इसका वाइजर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर वाइजर के यहाँ पर 10 नंबर के एक नट यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा दूसरी साइड। तो उसको पहले मैं खोल लेता हूँ। तो गाइस, अब देखते हैं, इसको मैंने अभी वाइजर को खोल लिया है। अभी यहाँ पर ये मीटर की केबल है, इसको मैं घुमा के इसको खोलूंगा पहले। उसके बाद गाइस के जो है तीन जो है इसके बोल्ट को खोलना पड़ेगा, ये मीटर जो है जिसके साथ लगा हुआ है। तो इन तीनों बोल्ट को मैं खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो गाइस, अब देखते हैं, मैंने अभी मीटर को हटा दिया है। इसके यहाँ पर तीन जो है बोल्ट लगे रहते हैं, तो इनको खोलना पड़ता है। तो ये सिंपली जो आपके हाथ में आ जाता है। इसके बाद अभी इसकी जो वायरिंग है उसको मैं हटा दूंगा। तो ये सिंपल है गाइस, इसको बाद में लगाना भी काफ़ी सिंपल है। जैसा इसका कलर कोड होता है सिंपल, वैसे ही इसको जो है लगा देते हैं हम। तो इसको मैं हटा लेता हूँ। तो गाइस, अभी आता है हमारा मेन काम। तो इसके मीटर को जो जिसका केस है, जो बाहर वाली बॉडी है, इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पर आप देखते हैं ये दो नट और ये दो नट जो है इनको खोलना पड़ेगा जल्दी से। पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो गाइस, जब मैंने मीटर को खोल दिया, अब इसके फ्रंट वाला जो ग्लास है उसको खोलने के लिए यहाँ पर ये नट है, इसको भी खोलना पड़ेगा। तो इसको खोल लेता हूँ, फिर इसका जो ग्लास है ये ऐसे बाहर को आ जाएगा। तो गाइस, अभी आपको ध्यान रखना है कि ये मीटर ऐसे डैमेज ना हो, क्योंकि ये बहुत ऐसे आपको हल्का सा भी अगर चोट लग जाएगी इसको तो ये डैमेज हो जाएगा। तो इसका अभी आपको जो है ध्यान रखना है। तो गाइस, अभी मेरे को इसका स्टॉक वाला जो फ्यूल मीटर है उसको खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर तीन पत्तियाँ हैं और तीनों के साथ एक येलो वायर लगी हुई है, एक ग्रीन वायर लगी हुई है और एक ब्लैक वायर लगी हुई है। तो इनके जो ऐसे स्क्रू है इनको खोल दूंगा मैं, और जैसे इसको मैं खोलूँगा इसका जो मीटर है वो डिसअसेंबल हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले इसको मैं खोल लेता हूँ तीनों वायर्स को। तो अभी गाइस, ये डायल को खोलने के लिए यहाँ पर हीरो लिखा हुआ है, इसको खोलने के लिए यहाँ पर दो स्क्रू है, एक यहाँ पर है और एक इसके सामने है जिसको कि मैंने पहले खोल दिया है। तो इसको भी मैं खोल लेता हूँ। तो गाइस, आप देखते हैं अभी ये खुल गया है। अब इसका जो मीटर है मेरे को अच्छी जगह पर रख देना है, यहाँ पर जो है ये डैमेज ना हो। तो गाइस, अभी मेरे को इस मीटर को यहाँ पर लगाना है। तो आप देखते हैं इसकी प्लेसमेंट यहाँ पर जो है सही से नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ तो ये इतना, ये देखिए ये बाहर को है। तो इस वजह से मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको डिसअसेंबल करना पड़ेगा, ये छोटे वाले मीटर को भी, और इसका जो सर्किट है सिंपल उसको मैं निकाल के इसमें जो है फिट करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ इसमें क्या है। तो यहाँ पर इसका केस है, ऐसे निकल जाएगा ये, और यहाँ पर ये दो स्क्रू है। तो इसको जो है घुमा के ऐसे खोल दोगे तो ये बीच से ऐसे निकल जाएंगे। तो इसको मैं खोलता हूँ अभी। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको जो है डिसअसेंबल कर लिया, इसको खोल लिया है। तो गाइस, अभी इसकी जो वायर्स है उसको मैं निकाल लेता हूँ पूरी को। तो गाइस, अभी मेरे को इसको जो है कुछ इस टाइप से लगाना है। तो दिमाग लगाते हैं, फिर देखते हैं कैसे इसको जो है फिट करेंगे हम इसको। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा होल किया है स्क्रू को माउंट करने के लिए, और ये कुछ इस टाइप से लगेगा। ये स्क्रू पहले ये मीटर के केस में जाएगा, उसके बीच में मैं थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस डाल दूंगा ये प्लास्टिक का कुछ, तो उसके बाद ये मीटर के अंदर से पास होता हुआ इसको मैं इस टाइप से यहाँ पर माउंट कर दूंगा। तो गाइस, जैसा कि आप देखते हैं इसका जो डायल है ये उल्टा हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे को इसको जो है टेपिंग करनी पड़ेगी इसके ऊपर, और हो सकेगा तो मैं यहाँ पर जो फ्यूल का जो सिंबल है वो भी लगाऊंगा। तो इसके डायल के ऊपर मैंने ब्लैक टेपिंग कर दी है। अगेन, जहाँ पर जो सिंबल है वो नहीं लग पा रहा था, क्योंकि वो काफ़ी छोटा था तो अच्छा नहीं बन पा रहा था, इसलिए मेरे को सिंपल ऐसे ही लगाना पड़ेगा इसको। तो क्या इसके डायल में ऐसे पहले मैं ये लंबा वाला स्क्रू डालता हूँ, उसके बाद ये प्लास्टिक वाला जो डिस्टेंस है छोटा सा इसको डालता हूँ, उसके बाद ये जो फ्यूल मीटर है इसका उसको डालता हूँ, और फिर छोटा सा ऐसे जो इसका डिस्टेंस है डालता हूँ, ताकि मीटर थोड़ा सा ऊँचा रहे, थोड़ा डाउन ना जाए। तो यहाँ पर जो है इस स्क्रू के स्क्रू को जो है मैं यहाँ पर माउंट कर दूंगा, ये जो होल है इसको अच्छे से यहाँ पर जो है मैं टाइट कर दूंगा। तो चलिएगा, इसको मैं जल्दी से टाइट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। तो गाइस, आप देखते हैं ये काफ़ी अच्छा लगेगा जब इसके ऊपर जो है डायल को मैं रख दूंगा। फिलहाल के लिए गाइस, सबसे पहले इसके जो सेंसर है इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले जब आप मीटर को लेके आते हो तो आप जो है अपने हिसाब से पहले इसको जो है एडजस्ट कर लीजिएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको जो है एडजस्ट करना है आपको।
क्योंकि सबसे पहले मेरे को इसका जो कनेक्शन करना है, तो यहाँ पर जो तीन वायर्स हैं सेम टू सेम ऐसा ही कलर आपको जो स्प्लेंडर प्लस में मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ब्लैक कलर की वायर है वो पॉजिटिव की है, जो ग्रीन कलर की वायर है वो नेगेटिव कनेक्शन की है, और जो येलो कलर की वायर है वो आपका जो फ्यूल मीटर का सेंसर होता है उसकी है। तो यहाँ पर आपको तीनों वायर्स मिल जाएंगी। हो सकता है आपकी बाइक के हिसाब से इसका जो कलर है वो अलग हो सकता है, तो आप अपनी बाइक में पहले चेक कर लीजिएगा पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है और फ्यूल मीटर का जो सेंसर है वो कौन सा है। फिलहाल मेरे केस में ये सेम टू सेम कलर है वायर का, तो इसको मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर को, जो मैंने मीटर को खोला था जो इसको पुराने वाले को, तो उसकी जो वायरिंग है सेम टू सेम उसी के साथ मैं इसको जो है ज्वाइंट कर रहा हूँ, और इसका कलर कोड भी सेम है, तो इसलिए मेरे को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ग्रीन के साथ ग्रीन को लगाता हूँ, येलो के साथ येलो को लगा देता हूँ, और ब्लैक के साथ जो है ब्लैक को लगा देता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो सेटिंग है वो आपको कैसे करना है। तो कैसे अभी मैं मीटर का कनेक्शन कर रहा हूँ, इसकी जो तीनों वायर है सिंपल उसको ही लगाऊंगा मैं, और सेम टू सेम ऐसे कलर में कलर आपको जो है लगाना होता है। तो इसको मैंने लगा दिया, अभी इसकी चाबी को ऑन करके देखते हैं अभी मीटर चला है नहीं। तो आप देख सकते हैं गैस अभी मीटर इसका जो है चलने लगा है, और आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके इसकी जो ये स्ट्रिप्स हैं ये डाउन आने लगी हैं, ये बार इसके जो है डाउन आने लगे हैं। तो जितना आपकी बाइक में फ्यूल होगा ये उतने पे आके यहाँ पर जो रुक जाएगा। तो क्या सेंसर की सेटिंग करने से पहले सबसे पहले आपको जो है अपनी बाइक को जो है मेन स्टैंड पे लगाना है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर साइड स्टैंड पे बाइक लगी रहती है तो आपका फ्यूल मीटर थोड़ा सा ज़्यादा शो करता है, क्योंकि आपकी जो फ्यूल को चेक करने वाली फ्लोट होती है वो थोड़ी जो है ज़्यादा उठी रहती है, इसकी वजह से आपका जो फ्यूल मीटर है वो थोड़ा ज़्यादा शो करता है। तो सबसे पहले मैं इसको जो है मेन स्टैंड पर लगाता हूँ। तो बस अलाइनर है ये मेरे पास, इसकी मदद से मैं इसकी सेटिंग करूँगा। तो यहाँ पर ये प्लास्टिक वाला ये जो पोर्शन है इसमें अलाइनर को डाल के इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। तो बस मेरी बाइक में अभी जो है 100-150 का पेट्रोल है, तो मैं उस हिसाब से इसकी सेटिंग करूँगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जब भी आप इसकी सेटिंग कीजिएगा पहले बाइक की जो टैंक है उसको फुल कर लीजिएगा, और उसके बाद इसकी जो आप जो है सेटिंग कीजिएगा। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला मेरी बाइक में 100-150 का पेट्रोल है, तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ इसके दो बार चाहिए कि इस इतना पेट्रोल होने के बाद इसके जो है दो बार ही सिर्फ जो है खड़े हों। तो यहाँ पर मैं इसके जो है बार को ऐसे धीरे धीरे करता हूँ, तो यहाँ पर एक और ये दो में यहाँ पर मैं इसको जो है सेटिंग कर दूँगा यहाँ पर। तो आपकी बाइक में अगर पेट्रोल जो फुल है तो आप इसको जो है फुल कर लीजिएगा बार्स को। तो यहाँ पर मेरी बाइक में 100-150 का पेट्रोल है, इसलिए मैंने इसको जो है इसके दो ही बार को जो है यहाँ पर शो किया है। तो कैसे आप चाहें तो 2 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी आप इनके जो पूरे बार्स को खड़ा कर सकते हैं, तो इसकी सेटिंग जो है आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मेरी बाइक में जितना पेट्रोल था उस हिसाब से मैंने 2 बार इसके जो है उसको शो कर लिया है। तो क्या इसकी अभी वायरिंग को पास करने के लिए यहाँ पर जो होल है जिसे जहाँ से हमने जो है पुराना इसका जो मीटर है उसको खोला था, उन होल से इसकी वायरिंग को मैं ऐसे जो है पास कर देता हूँ। तो फाइनली गाइस हमारा काफ़ी हद तक काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं मैंने लेमिनेशन को जो है साइड से ऐसे फाड़ दिया है, और अभी यहाँ पर मैं इसका डायल है इसको लगा देता हूँ, और अच्छे से इसके जो स्क्रू वगैरह जैसे खोले थे उसको जो वैसे ही टाइट कर देता हूँ, और इसके डायल मतलब ऊपर वाले केस को भी लगा देता हूँ। तो फाइनली गाइस अभी मैं इसका जो है कनेक्शन करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसी जो कलर कोडिंग इसके मीटर में है वैसी कलर कोडिंग ये जो डिजिटल फ्यूल मीटर में है। तो सिंपली मैं ब्लैक को जो है ब्लैक के साथ अटैच करूंगा, येलो को येलो के साथ अटैच करूंगा, और ग्रीन को ग्रीन के साथ अटैच करके इनके ऊपर जो है श्रिंक ट्यूब लगा दूंगा, ताकि इनका जो ज्वाइंट है वो अच्छे से लग जाए। तो फाइनली गाइस हमारी जो वायरिंग का जो जॉइंट है वो अच्छे से लग गया है। अभी इसकी जो एक्सेसिव जो फालतू की वायरिंग है उसको मैं यहाँ पर इकट्ठा कर देता हूँ, और उसके बाद इसके मीटर का जो बाकी वाला केस है उसको ऐसे बंद कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने 4 जो स्क्रू इसके खोले थे उनको अच्छे से टाइट कर देता हूँ।
तो फाइनली गाइज अभी हमें जो है ये मीटर को फिट करना है। तो इसके जो तीन जो बोल्ट है जैसे कि हमने इसको खोला था सिंपल वैसे ही इसको लगा देना है, और इसकी जो वायरिंग है उसको भी सेम टू सेम ऐसे लगा देना है, मतलब कलर कोड को मैच करके लगाना है। तो ये काफ़ी सिंपल होता है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। चाहे आपकी बाइक कोई सी भी हो लेकिन उसका जो वायरिंग होती है वो कलर कोड को मैच करके ही होती है, तो उसके लिए आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसको मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। और गाइस ये जो वीडियो है ये 2 दिन में बन पाई है, तो इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, सभी के साथ जिनको भी आप जानते हो उनके साथ आप इसको जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जल्दी से पहले मैं इसको लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो गाइस आप देखते हैं काफ़ी ये शानदार लग रहा है मेरे को, और जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो इसके बार जो है पहले पूरे शो होते हैं, उसके बाद ये डाउन आने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको सेट किया था वहाँ पर आके ये रुकेंगे, जितना आपकी गाड़ी में पेट्रोल है वहाँ पर जाके ये स्टेबल हो जाएगा। तो गाइस ये पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी आपको कैसा लग रहा है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना। बाकी गाइस कंटेंट आपको कैसा लग रहा है चैनल का वो मेरे को आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना। और गाइस अगर आपके पास कोई यूनिक कंटेंट है जिसके ऊपर कि आप चाहते हो कोई वीडियो बननी चाहिए, तो वो मेरे को आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना। और चाहे तो आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर मेरे को जो है पर्सनली ईमेल भी आप भेज सकते हैं अगर आपके पास कोई यूनिक कंटेंट है जिसके ऊपर आपको जो है वीडियो चाहिए। तो गाइस मीटर को परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर इसको जो है परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगा, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।